हेलो फ्रेंड, मैं हूँ किशोर और आप देख रहे हैं किशोर कंस्ट्रक्शन। आज मैं दिखाने वाला हूँ स्लैब कैसे, मतलब स्लैब को कैसे पानी देना चाहिए, स्लैब को कितने दिन तक पानी देना चाहिए, कैसे देना चाहिए और कैसे सही से बांध के पानी देना चाहिए। आप लोग का अगर स्लैब दिया है, आप लोग घर में स्लैब हो गया है तो अगर सही से देना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए। और चारों तरफ सही से बाटा देके, बाटा बना के एंड जो सीमेंट का होता है, सीमेंट और रेती मिला के दोनों को चारों तरफ बाटा, छोटा छोटा बाटा बना के बाटा पे पानी देने का सही तरीके से। और अंदर में मतलब किधर भी नहीं जाएगा ये पानी, चारों साइड बाटा है इसलिए किधर भी नहीं जाएगा और बाटा में ही रुक जाएगा पानी। तो और कम से कम लगभग 21 दिन तक देना चाहिए आप लोग को पानी भी सही से। पानी 21 दिन तक देने का बाद में पूरे स्लैब लीक भी नहीं होगा। और बाटा भी सही तरीके से बनाने का, नहीं तो पानी चला जाएगा नीचे में। अभी देख के किस कितना टाइम तक देखे और बाद में चला जाएगा, ऐसे नहीं होने का, पानी रहना मांगता है ऊपर। और ये बाटा है जो कि सीमेंट कम दे के रेती को मिला के बनाया गया है, ये छोटा छोटा करके। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और जो भाई नए हैं मेरे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं मैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।